हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सी एस ओ स्टडी एंड इंटरटेनमेंट। प्रेजेंट करता है क्लास सिक्स का जियोग्राफी चैप्टर सिक्स मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मैं हूं जे के सर। तो आगे चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सी एस ओ स्टडी एंड इंटरटेनमेंट। मैं हूं जे के सर। तो आप लोगों ने चैप्टर फाइव में पढ़ चुका है, पिछले वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो था मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, तो डोमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं लैंड फॉर्म क्या क्या होता है अर्थ का। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। तो बोला नीचे में ये फिगर दिया गया है, इसमें आप कुछ देख सकते हैं लैंड फॉर्म का, जो किस किस रूप में होते हैं लैंड। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। तो आपने इसमें देखने के बाद नोटिस करोगे कि हर जगह जो है लैंड का वो सरफेस जो है समतल भाग वो एक सा नहीं है, नहीं है। देख रहे हैं ना, कहीं पे माउंटेन है तो ऊपर ऊपर मतलब बढ़ा हुआ है माउंटेन रेंज, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्लेन नीचे है, हिल है। तो हम हर जगह जो है एक सा समान नहीं होता है पृथ्वी का। द अर्थ इज एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अर्थ के पास जो है इन्फिनाइट वैरायटी है लैंड फॉर्म्स का। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रोज्ड एंड सम फ्लैट। तो कुछ जो है लिथोस्फेयर है, कुछ पार्ट लिथोस्फेयर का जो है वो रोज्ड होता है। ऊबड़ खाबड़ होता है। दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। तो ऐसा लैंड फॉर्म जो है वो दो प्रोसेस है जिनके कारण होता है। यू विल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। जैसा कि आप जानते होंगे, या आप अमेज, क्या आप अमेज कर सकते हो ग्राउंड जिस पे कि आप खड़े हैं वो जो है स्लोली मूव कर रही है, वो घूम रही है स्लोली स्लोली। विथ इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। अर्थ जो है वो उसका भी जो है कंटिन्यूस मूवमेंट होते रहता है जिसमें प्लेस लेता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेस। ये जो घूम, आप जानते ही हो कि अर्थ जो है वो मूव करते रहती है धीरे धीरे। तो इंटरनल प्रोसेस जो होता है वो लीड करता है अपलिफ्टमेंट को और सिंकिंग। चलिए आगे देखते हैं। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस, जो दूसरा जो है पहला इंटरनल था और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस है, इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। तो दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि रीबिल्डिंग किया जाता है लैंड सरफेस को, और इंटरनल में क्या किया जाता था, इंटरनल प्रोसेस में अपलिफ्टमेंट होता था और झड़ता था, सिंकिंग होता था। एक्सटर्नल में होता है कि रीबिल्ड होता है लैंड सरफेस का। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। तो जो है वो झड़ जाता है उसे इरोजन बोलते हैं। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट। तो जो है ये इरोजन के कारण जो है लैंड फॉर्म्स वो मतलब उसको क्या बोलेंगे जो गिरते रहता है, मतलब दह जाता है, बह जाता है, पानी और के कारण बहता है या फिर किसी कारण कम हो जाता है, तो उसे इरोजन बोलते हैं। और जो फिर से जो रीबुल्ड जो होता है लैंड फॉर्म, मतलब कि अब मिट्टी जो फिर से रीबुल्ड होती है उस पर आते जाती है मिट्टी, और वो डिपॉजिट के कारण होती है। तो ये डिपॉजिट जो है खास करके डिपोजिशन जो होता है ये होता है झरना और के पास, जहाँ पे कि झरना ऊपर से मटेरियल और लाती है और वहाँ पे नीचे जहाँ गिरती है पानी वहाँ पे जमा होते जाता है वो पत्थर उत्थर रॉक जो होता है, तो वो डिपोजिशन कहलाता है। These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different land forms depending
ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो ये दो प्रोसेस जो है यही है कि ये कैरी होता है रनिंग वाटर के कारण, आइस के कारण और हवाओं के कारण। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो जो है लैंड फॉर्म्स को हम लोग बहुत सारे भाग में बांट देते हैं स्लोप के कारण, उसके स्लोप के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से। तो पढ़ते हैं माउंटेन क्या होता है। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। जो माउंटेन जो होती है वो नेचुरल एलिवेशन होती है, प्राकृतिक होती है वो, मतलब खुद से बना हुआ होता है। द माउंटेन मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड के बेस। माउंटेन के पास जो है वो माउंटेन जो होता है स्मॉल समिट होता है और वो ब्रॉड बेस होता है उनका। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया जो है उससे ये हायर होता है, ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ ऐसे भी माउंटेन होते हैं जो कि क्लाउड से भी हायर ऊपर होते हैं, मतलब क्लाउड से भी, बादलों से भी ऊपर होते हैं। एज यू गो हायर, जहाँ तक आप जा सकते हो, द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जहाँ पे कि क्लाइमेट कोल्डर हो जाती है, ठंड हो जाती है ये वातावरण। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ माउंटेन हैं जहाँ पे कि परमानेंटली जो है फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, वहाँ पे आइस का रिवर ही है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, तो उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन ऐसे भी हैं जिनको कि आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि वो सी के अंदर में है, समुद्र के अंदर में है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज। तो ये हार्श क्लाइमेट का जो ये हार्श होता है उसके कारण जो है बहुत ही कम आदमी माउंटेन एरिया में रहते हैं या रहना पसंद करते हैं माउंटेन एरिया में। सिंस द स्लोप आर स्टेप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो जैसा कि स्लोप होता है माउंटेन पर, स्लोप स्टेप होता है, तो इसीलिए जो वहाँ पे फार्मिंग के लिए लैंड नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होता है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नॉन एज रेंज। माउंटेन जो है वो अरेंज होता है एक लाइन में होता है, जिसे रेंज बोलते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। तो बहुत सारे माउंटेन होते हैं, माउंटेन सिस्टम होते हैं जो कि सीरीज में होते हैं, पैरेलल पैरेलल रेंज में, जो कि 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक, मतलब 100 के 100 किलोमीटर और तक रहते हैं। द हिमालय, जैसे कि हिमालय, द आल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। तो ये सारे एशिया के माउंटेन्स रेंज है। कौन सब? हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज है। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। तो यूरोप के और साउथ अमेरिका, मतलब हिमालय कहाँ के? एशिया के हो गए, और एल्प्स जो है वो यूरोप के हैं, और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका के हैं। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन जो होते हैं वो वेरी करते हैं अपने हाइट और शेप के कारण। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन्स के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन है? फॉल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। तो एक होता है फॉल्ड माउंटेन जिसका घिरा हुआ रहेगा, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन एंड द आल्प्स आर यंग फॉल्ड माउंटेन विथ रस्ट रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। तो हिमालय जो है वो और आल्प्स, ये दोनों जो हैं यंग फॉल्ड माउंटेन है। पहली बात तो हिमालय और आल्प्स जो है वो फॉल्ड माउंटेन है, और फॉल्ड माउंटेन्स में भी कैसा यंग है, विथ किनके साथ? रस्ट रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक, जिसके पास कि कॉनिकल पीक होता है, मतलब कॉनिकल समझ रहे हैं ना, जैसा कि आइसक्रीम वो कोन वाला जो होता है उसको उल्टा के रख दीजिए, तो वैसा। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड।
तो अरावली रेंज जो है इंडिया का, वह फॉल्ट माउंटेन जो कि बहुत पुराना ऑल फॉल्ट माउंटेन का एक उदाहरण है अरावली रेंज, पूरे दुनिया में कहाँ का, इंडिया का। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो ये रेंज जो होता है ये वर्न होता है किसके कारण, इरोजन के कारण। द अपलाचिन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द अरल माउंटेन्स इन रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फॉल्ट माउंटेन। तो ये है रेंज, एपेलेचियन है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और अरल माउंटेन है जो रसिया में है, ये दोनों भी ओल्ड फॉल्ट माउंटेन ही हैं जहाँ पे कि लो एलिवेशन होता है। ब्लॉक माउंटेन चलिए देखते हैं क्या होता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो ये ब्लॉक माउंटेन होता है जो कि जब लार्ज एरिया बहुत बड़ा एरिया जो है वो ब्लॉक कर जाती है, मतलब टूट जाती है और वर्टिकली जो है वो डिस्प्लेड हो जाती है, तो ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेवन। तो जिसमें कि ऊपर लोअर का जो होता है उसे गार्वेन बोलते हैं और ऊपर में जो ये देख रहे हैं फ्लैट सरफेस है उन्हें हॉस्ट बोलते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो नीचे की तरह उसे गर्व और जो ऊपर की तरफ उसे हॉस्ट। द राइन वैली एंड द वोस्जेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। तो राइन वैली है एक जो कि वोस्जेस राइन वैली है और वोस्जेस माउंटेन है यूरोप में, जो कि एग्जाम्पल है इस तरह के माउंटेन का, ब्लॉक माउंटेन का। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो बोल रहा है मैप में फाइंड कीजिए इन ब्लॉक माउंटेन को और भी ढूंढिए ब्लॉक माउंटेन इस तरह के। वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनिक सबसे मज़ेदार, वोल्केनिक जो होता है वोल्केनिक माउंटेन्स वो किस कारण से होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से होता है वो बनते हैं। किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। तो माउंटेन है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंटेन फुजियामा है जो कि जापान में है, तो ये वोल्केनिक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन जो है वो स्टोर हाउस होता है किस चीज़ के लिए, वाटर का स्टोर हाउस होता है, मतलब वो घर है पानी का, उसमें बहुत मात्रा में पानी पाया जाता है माउंटेन में। माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। बहुत सारे रिवर्स का जो रिवर जो है वो माउंटेन्स के ही ग्लेशियर में होते हैं। रिजर्वेशन आर मेड एंड सॉरी रिजर्वेशन है रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी जो है वो माउंटेन्स का जो है वो भी यूज होता है किसके लिए, इरीगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द रिवर वैली एंड टेरेसेज आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो रिवर वैली जो होता है नदी का किनारा वो सब जो है अनाज उपजाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो माउंटेन्स जो है वो उनको उनके पास बहुत सारे वैरायटी के फ्लोरा और फौना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, ये फ्लोरा और फौना में बहुत आदमी जो कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये फ्लोरा और फौना एक प्लांट्स हैं और उस प्लांट पे डिपेंड रहने वाले एक एनिमल्स हैं फौना। फ्लोरा एक प्लांट होता है जिसके ऊपर डिपेंड होता है फौना एनिमल्स। ओके, तो फ्लोरा प्लांट और फौना एनिमल्स जो कि माउंटेन में एरिया में ही पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर
शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट। तो जो है फॉरेस्ट जो है जंगल जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, फूड और शेल्टर, आश्रय और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक जैसा कि गम, रेंस एसेट्रा, जो गम होता है, रेजिन्स होता है मतलब किशमिश होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसेट्रा। माउंटेन प्रोवाइड एंड आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। तो माउंटेन्स जो है वो आइडियलिक साइट होती है टूरिस्ट के लिए। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर द सीनिस्टिक ब्यूटी। सेवरल स्पॉट लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स पर जो है पॉपुलर है कुछ वो क्या है जो विजिट करते हैं उनके लिए, बहुत सारे स्पॉट हैं जो कि पैराग्लाइडिंग होता है, हैंग ग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है और स्कीइंग होता है, जो कि माउंटेन के लिए पॉपुलर है। माउंटेन पे ही ये स्पॉट खेले जाते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेज इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दी स्पॉट्स। तो बोला है कि क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं ऐसे प्लेसेज के जो हिमालयाज में हैं इस स्पॉट के लिए। तब चलिए पढ़ते हैं प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। प्लेट्यू जो होता है पठार, वो जो होता है क्या होता है एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, पहाड़ की तरह नुकीला नहीं होता है, ये फ्लैट होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो ये जो है सराउंडिंग एरिया पे जो है ये एक टेबल की तरह, टेबल लैंड की तरह होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड बोला जाता है, की तरह दिखता है होता है। ए प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टेप स्लोप। तो प्लेट्यू के पास जो है एक या एक से ज़्यादा स्टेप स्लोप्स हो सकते हैं। The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. तो कुछ 100 meters से लेकर के 1000 meters तक हो सकते हैं इनके varies height हो सकते हैं plateau के। Plateau like mountain may be young or old. Plateau भी जो mountain की तरह young और old होते हैं। The Deccan plateau in India is one of the oldest plateau. Deccan plateau जो कि इंडिया में है वो एक oldest plateau है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड उगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तो कुछ ईस्ट अफ्रीका के हैं प्लेट्यू, केन्या के, तंजानिया के और युगांडा के, और वेस्टर्न प्लेट्यू हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कुछ एग्जाम्पल। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाइस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ अ हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो तिब्बत प्लेट्यू जो है वो हाइस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, जिनका हाइट 4000 से 6000 मीटर्स तक ऊपर है सी लेवल से। तो आप जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सी लेवल से ही हाइट मापी जाती है, ऊपर का भी और नीचे का भी। में है तिब्बत प्लेट्यू 5.1। किधर रहो 5.1। पिछले चैप्टर में होगा। Plateau are very useful because they are rich in mineral deposit. तो plateau जो है वो बहुत ही useful होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मात्रा में mineral deposit पाए जाते हैं, deposit रहते हैं minerals. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau area. तो इसका कारण है कि बहुत सारे mining area जो है वो plateau के ही area में पाए जाते हैं। The African plateau is famous for gold and diamond mining. तो African plateau जो हैं वो famous है किन चीज़ों के mining के लिए, gold और diamond के लिए। In India, huge reserves for iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर plateau. तो इंडिया में भी जो है छोटा नागपुर
प्लेट्यू जो है, छोटा नागपुर का पठार जो है, वहाँ पे आयरन कोल ओर का और मैगनीज ओर का माइनिंग होता है। इन द प्लेट्यू एरिया, पठारी एरियाज में, देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर्स फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो प्लेट्यू एरिया पे भी जो है कुछ वाटरफॉल होते हैं जो रिवर फॉल्स में बदलते हैं, और बहुत ग्रेट हाइट से, मतलब ऊंचाई से वो गिरते हैं। इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुब्रनरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। वो झरना जो होती है वो पठार पे बहुत ऊपर से गिरते हैं, जैसा कि हुंद्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, सुब्रनरेखा है और जोग फॉल है कर्नाटका में। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वाटरफॉल्स के, झरना के। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। तो जो लावा प्लेट्यू जो होता है उसमें ब्लैक सोइल पाए जाते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं, कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो है ये कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। तो बहुत जो है प्लेट्यू वहाँ टूरिस्ट के अट्रैक्शन का वो पार्ट बना हुआ रहता है। तो अब आते हैं प्लेन्स के बारे में, देखते हैं क्या है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। तो प्लेन जो है वो लार्ज स्ट्रेचेज है फ्लैट लैंड का। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो वो सी लेवल से 200 मीटर की ऊंचाई तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है प्लेन्स की ऊंचाई। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। तो कुछ कुछ प्लेन जो है वो एक्सट्रीमली लेवल तक होते हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडर अनड्यूलिंग। तो कुछ जो है ढलान तरह का होता है, कुछ सीधा होता है, कुछ पड़ की तरह होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाई रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो बहुत सारे जो है प्लेन्स वो किस चीज़ के, रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं, नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, या उन नदियों के सहायक नदियों के द्वारा, मतलब ट्रिब्यूटरीज के, मतलब सहायक नदियाँ। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। तो क्या होता है, रिवर जब नीचे की तरफ गिरता है माउंटेन और से, तो वो क्या करता है, उन्हें इरोड करते हुए गिरता है, मतलब कुछ, मतलब वो नसल लेते हुए नीचे आता है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। वो जो है इरोडेड मटेरियल, जो जो मटेरियल उनके साथ आते हैं, जैसे कि पानी झरना की तरह जैसे ऊपर से गिर रही है जो कि नदियां बाद में बन जाती हैं, तो वो पानी क्या होता है ना कि ऊपर से गिरने के वक्त बहुत सारे मटेरियल उनके साथ गिरते हैं। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्स एंड इन देयर वैली। तो वो फिर डिपॉजिट करते जाते हैं एक जगह, मतलब कि जहाँ गिरते हैं वहाँ डिपॉजिट होते जाता है वो सारा मटेरियल। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म। तो यही जो है डिपॉजिट जो करते हैं उन्हीं के द्वारा ये प्लेन बनता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। तो जनरली जो है प्लेन जो होता है वो प्लेन्स वो बहुत ही फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क होता है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए ईजी होता है। थस दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड होता है पूरे वर्ल्ड में। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो कुछ प्लेन है जो कि रिवर के द्वारा प्लेन्स बनाए गए वो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इन एशिया, एशिया में दिस प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया द यांग्स इन चाइना। तो इंडिया में जो है, एशिया में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया है इंडिया में, और यांगत्ज़े है जो कि चाइना में है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए जो है प्लेन बहुत ही यूजफुल होता है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। तो खेती के लिए भी अच्छा होता है प्लेन्स, और
घर बनाने के लिए भी अच्छा होता है प्लेन। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए वो बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है प्लेन्स। इन इंडिया टू, इंडिया में भी द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जो इंडो गंगेटिक जो है प्लेन जो है वो आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री, वो भी कंट्री की बहुत ही पॉपुलेटेड रीजन है। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, तो अब चलिए लैंड फॉर्म और पीपल के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज, तो ह्यूमन जो है वो रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म में, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया, जैसे कि माउंटेन एरिया में लाइफ जो है डिफिकल्ट हो जाती है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, प्लेन जो है वो बेटर कंडीशन देता है रहने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, जैसे कि प्लेन पे कुछ भी उगाना, मतलब कि जैसे अनाज और बोना, अनाज उगाना जैसे कि धान गेहूँ ये सब खेती करना आसान होता है। बिल्ड अ हाउस, हाउस भी बनाना आसान होता है। और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन, और रोड भी होते हैं प्लेन होते हैं माउंटेन के, माउंटेन से जब इसको हम लोग तुलना करें तो। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंट इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म, तो क्या जो है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कुछ आदमियों को जो डिफरेंट वे में रहते हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में। समटाइम नेचुरल क्लाइमेट सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, तो कुछ जो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर आंधी तूफान और आ गया, तो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, तो जो है लाइफ जो है बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क, तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखकर हम लोग कुछ चीज़ों का बचाव करके जो है इन सब चीज़ से हम लोग बच सकते हैं इन रिस्क से। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर, तो आप अपने सराउंडिंग से फाइंड कीजिए कि कितने रास्ते हो सकते हैं वाटर और लैंड को यूज़ करने का। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ रेस्टफुल मैनर, तो लैंड को जो है हम लोग रेस्टफुल मैनर में यूज करें। फॉर एग्जांपल जैसा कि कंस्ट्रक्शन हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड पे कंस्ट्रक्शन करें। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, तो हम लोग क्या करते हैं कि गार्बेज जितना भी कचरा होता है उसको हम लोग पानी में फेंक देते हैं, तो जिससे कि वाटर क्या होता है वो गंदा हो जाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, तो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए ये केयरलेसनेस से कि प्राकृतिक चीज़ को हम लोग गंदा करें, जो भगवान हम लोगों को गिफ्ट में दिए हैं उसे हम लोग गंदा कर दें। तो अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, जितना भी लैंड है अवेलेबल वो सिर्फ हम लोगों के यूज के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, तो ये हम लोगों की ड्यूटी है कि इस अर्थ को जो है, पृथ्वी को जो है बेटर प्लेस बनाए भविष्य के जनरेशन के लिए भी। बोला लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नॉस माउंटेन, राइट ऑन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ, सभी फोटोग्राफ के बारे में एक एक सेंटेंस लिखने के लिए बोला जा रहा है। नेम द लैंड फॉर्म फीचर्स ऑन इन द फोटोग्राफ, व्हाट अपीयर्स टू बी द मेन यूज, तो ये आप लोग कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, चैप्टर हो गया समाप्त जी। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, पानी का यूज अच्छे से कीजिए, पानी को गंदा मत कीजिए, अर्थ को गंदा मत कीजिए, कचरा यहाँ वहाँ मत फेंका कीजिए, डस्टबिन का यूज कीजिए। और हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था माउंटेन एरिया में क्या होता है ज़िंदगी जीना कुछ कठिन होता है प्लेन्स के, क्योंकि वहाँ पे
खेती करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होता है, मतलब होता है ना लैंड स्लोप होता है ना वहाँ का माउंटेन का, तो बहुत कम ही एरिया होता है। जैसे कि वहाँ का लोग खेती तो नहीं करते हैं, मतलब करते हैं बहुत कम मात्रा में। वहाँ पे क्या करते हैं, सीप और जो है पाल लेते हैं वो लोग, उन्हीं से उन लोगों का चलता है गुजर बसर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। तो नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। तो आप लोग देख रहे थे सी एस स्टडी एंड इंटरटेनमेंट पे मेरे साथ, मैं हूँ जेके सर। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। और यदि आप लोगों को कुछ कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कीप स्माइलिंग। तो नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। बाय।